आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। थैंक यू। सबसे पहले मैम अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए आप। जी, मेरा नाम सोनिया है जी, और ये हमारा जो पिक फार्म है इसको 3 से 4 साल हो चुके हैं लॉन्च हुए हुए, और ये करनाल, हरियाणा करनाल में है। तो अभी ऑपरेट करते हुए 3 से 4 साल हो चुके हैं, और अभी हम अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, विच इज़ पोर्क प्रोडक्ट्स। दैट्स अ गुड। मैम अगर बैकग्राउंड की बात करें तो आपका बैकग्राउंड क्या रहा है एजुकेशन में, और अगर बात करें तो? एजुकेशन में मेरा बैकग्राउंड रहा है डिज़ाइनिंग में और क्रिएटिव्स में। ओके। और मेरे जो फादर हैं उनका बैकग्राउंड रहा है एनिमल हस्बेंड्री में। ओके। और मेरे जो अंकल हैं वो एक वेटनरी डॉक्टर हैं जी। तो एक्सपीरियंस हम सबका कुछ कुछ है इन मामलों में, एंड सब हम सब मिल के अब इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन कैसा बना रहे हैं? आपका गवर्नमेंट का बैकग्राउंड रहा है और यहाँ पर भी एनिमल हैं, तो दोनों डिफरेंट सेगमेंट हैं, तो कैसा? तो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि फूड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मुझे हमेशा इंटरेस्टेड मैं रही हूँ उसमें जी। तो इसीलिए वन ऑफ द रीजंस कि मैं इस सेक्शन में आई, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है लोगों से। तो अगर फार्म की बात करें, आपने अपना फार्म कब स्टार्ट किया था, कितने एनिमल से आपने स्टार्ट किया था मैम? देखिए, करीब हमें टाइम हो गया है 3 से 4 साल अपना फार्म शुरू किए। कुछ हमने मेरे ख्याल से 25 से 30 एनिमल से शुरू किया था, और तब से लेके अब तक हमारे पास गिन के कुछ 1500-2000 एनिमल्स हैं इस समय पे। काफ़ी बड़ा आपका सेटअप है, पूरी फैक्ट्री कह सकते हैं इसको हम। हाँ जी। तो बायो सिक्योरिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, और बायो सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। किस तरह से बायो सिक्योरिटी यहाँ पे कर रहे हैं अपनी? देखिए, पहले तो कहना चाहूँगी कि बायो सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी फार्म पे, क्योंकि इन एंड आउट ऑफ एवरीथिंग हैज़ टू बी हाइजीनिकली टेकन केयर ऑफ। सो जो हमारे लेबर्स यहाँ पे काम करते हैं उनका अपने पास एक सेक्शन है जहाँ पे एंट्री एग्जिट है, जहाँ पे हम हमारा सैनिटरी सिस्टम बना हुआ है, जहाँ पे वो फुट सोक करते हैं और अंदर आते हैं। एक बार टूर मैम कराइए एक बार फार्म का। बिल्कुल, चलिए मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे हर केज पे नंबर्स डले हुए हैं। ये सारे नंबर्स हैं जो हमारे केजेस पे डले हुए हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम अपने एनिमल्स की ट्रेसिबिलिटी करते हैं। ट्रेसिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि मेल्स कहाँ रखी हैं और फीमेल्स कहाँ रखी हुई हैं। और उसी के आपको शायद ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो pickfarm.in हमारा एक वेबसाइट है, वहाँ पे हम सारी इन्फॉर्मेशन भी अपनी स्टोर करके रखते हैं जी। तो इसलिए ये बेटर होता है हमारे लिए कि हम टैगिंग करें एनिमल्स की भी और केजेस की भी। दूसरा मैम, देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपने स्टेनलेस स्टील का ये आपने बनाया हुआ है, फूड बिन बनाया है। फूड बिन बनाया हुआ है। हाँ जी। तो इससे भी कुछ फर्क पड़ता है बायो सिक्योरिटी में? बिकॉज मैं देखता हूँ लोग फीड ऐसे ही उसको डाल लेते हैं फर्श पे। बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये होता है कि फूड आप ज़मीन पर डालते हैं, ज़मीन गंदी होती है तो उससे कंटेमिनेशन होता है फूड का। दूसरा, इससे फूड वेस्टेज नहीं होता है। जितना भी एनिमल को खाना होता है वो फूड खाते हैं और उसी में छोड़ देते हैं। तो दो किस्म की चीज़ें हैं जो इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो ये फूड बिन होना बहुत ज़रूरी है। मैम, ये केजी सिस्टम मैं देख रहा हूँ, मैंने मोस्टली फार्म विजिट करे हैं, वहाँ पर दीवारें होती हैं या फिर रैक्स होते हैं। हाँ जी। लेकिन यहाँ पे आपने बड़ी बड़ी स्टील की जो आपने ये केजिंग सिस्टम केजेस बनाया हुआ है। हाँ जी। ये क्या पर्पस है और क्यों आपने ऐसा किया हुआ है? देखिए, एक तो पहली बात ताकि एयर सर्कुलेट हो, दूसरी बात ये कि जो हमने एनिमल्स को सेक्शन किया हुआ है उसको हम इजीली देख सकें, एक्सेस कर सकें। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है केजिंग सिस्टम में। वॉल ना लगाएं वो बेहतर होता है, इससे एयर सर्कुलेशन रहती है, आप आसपास जा सकते हैं, सारी चीज़ें डिटेल्स हर एक केज की देख सकते हैं। तो ये चीज़ दूसरा ये है कि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप देख सकते हैं इजीली, पूरी मूवमेंट देख सकते हैं क्या हो रहा है फार्म पे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता जी है। मैम, और मैम दिखाइए फार्म एक बार अपना, विजिट कराइए। सो हमारा मेल और फीमेल सेक्शन भी हमने अलग किया हुआ है। अच्छा, कितने सेक्शन है मैम? सेक्शन की अगर बात करें तो देखिए, इस समय पे हमारा जो लैक्टेटिंग मदर सेक्शन है वो उस तरफ है, वो मैं आपको भी लेके चलूंगी। जो हमारे मेल सेक्शन है वो उस तरफ है। ओके। जो हमारे पिगलेट्स हैं जो अभी मदर से अटैच्ड हैं, जो लैक्टेट कर रहे हैं, जो पी रहे हैं दूध, वो भी उस तरफ है। और जो थोड़े से बड़े हो गए हैं उनको अलग करके हमने उस सेक्शन पे रखा हुआ है। तो कितने सेक्शन है मैम, अगर बात करी जाए कितने सेक्शन है टोटल? कम से कम 4 से 5 सेक्शन है। ओके। डिपेंडिंग ऑन मेल, फीमेल, लैक्टेटिंग, प्रेगनेंट
स्टेप बाय स्टेप सारे सारे के सारे हमने सेक्शन अलग किए हुए, उससे हमारे लिए भी आसानी होती है समझने में और ट्रेसेबिलिटी करने में कि कौन सा एनिमल का डेट कब है, ट्रेस इजीली हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा मैम देख रहा हूँ यहाँ पर ये बल्ब आपने यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये जो रेड कलर के, जो मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा, ये थोड़ा इनके बारे में बताइए। देखिए वहाँ पे आप देख भी सकते होंगे छोटे बच्चे हैं। हाँ जी। तो ये हमारे विंटर्स में काम आते हैं। ओके। विंटर्स में तब काम आते हैं जब इनको थोड़ा वार्म लाइट देते हैं तो वार्मथ रहती है उसके अंदर, सो इसीलिए सिर्फ उस सेक्शन में लगे हुए ताकि बच्चों के लिए थोड़ा सा वार्मथ रहे उन केजेस के अंदर। दूसरा मैम इतना बड़ा फार्म आप चला रहे हैं, हाँ जी, अगर टीम की बात करें तो कितनी टीमें हैं और क्या क्या उनका वर्क ऑफ है? देखिए अब ऑफकोर्स इतना बड़ा फार्म चला रहे हैं तो उसके लिए एक हमने डेजिग्नेटेड टीम बिठाई हुई है जिसमें हमारे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेटनरी डॉक्टर्स हैं ऑन बोर्ड, जो हमने पैनल बनाए हुए 4 से 5 डॉक्टर्स का, वो विजिट करते हैं आके और हेल्थ चेकअप्स हमारे रेगुलर होते हैं एनिमल्स के जी। और अपनी एक टीम है जो हमारा खुद का मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल जो फूड होता है एनिमल्स का वो बनाते हैं, तो हम अपनी फीड खुद बनाते हैं पिग फीड, तो कुछ लोग उसके लिए हैं, और 3 से 4 लेबर्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे सफाई करते हैं, खाना खिलाते हैं एनिमल्स को और रेगुलर चेकअप्स करते रहते हैं। जो सेलिंग कहाँ कर रहे हैं मैम? देखिए अभी के समय पे एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि वी आर वन ऑफ अ काइंड अभी इन इंडिया कि हमने हमारा खुद का फार्म है और हमारा खुद का स्लॉटर हाउस है, सो यहाँ से अभी हमारा स्लॉटर हाउस लुधियाना में है जहाँ वहाँ पे हमारे 4 से 5 रिटेल स्टोर्स हैं, और उसके अलावा हम अभी दिल्ली NCR और हिमाचल जैसी जगहों पर भी अपना पोक मीट बेच रहे हैं। मैम रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे फार्म छोटा हो चाहे बड़ा हो। हाँ जी। आप कैसे अपने रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं? देखिए हमारा एक साइट है विच इज़ कॉल्ड pickfarm.in, जो ये आपको अभी मैंने टैगिंग सिस्टम बताया सारे एनिमल्स का, फ्रॉम मेल टू फीमेल टू पिगलेट्स एवरीथिंग, जो ये टैगिंग होती है ये हमारे सिस्टम के अंदर अपलोड होती है। इवन द फैक्ट जो मेल और फीमेल की ब्रीडिंग हम करते हैं उसकी भी जो क्रॉसिंग होती है वो भी सारी की सारी डिटेल्स हमारी हमारे वेबसाइट पे आपको मिल सकती है। तो इस ट्रेसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसीलिए हमने एक डेजिग्नेटेड वेबसाइट बनाई हुई है और डेजिग्नेटेड हमारे पास सिस्टम है टू स्टोर ऑल दीज डेटा। मैम ब्रीड का कितना ज़रूरी है फार्म के अंदर, अच्छी ब्रीड का होना? देखिए बहुत ज़रूरी है, जो ब्रीड आपको मॉर्टिलिटी रेट कम दे, जो ब्रीड ईजिली आप मेनटेन कर सके, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि आप पिक फार्म आगे अपना बढ़ा सकते हैं। मैं तो फीड के बारे में बताइए आप। देखिए फीड मैं बताऊंगी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक एनिमल के हेल्थ को और एक मीट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, सो इसीलिए हमारा जो फीड है हम खुद बनाते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जो ये वाला फीड है ये हमारा लैक्टेटिंग मदर्स के लिए है, सो दिस इज़ ऑल्सो स्टेज वाइज कि किसको किस स्टेज पे किसको क्या बिल्कुल, क्या देना है। बिल्कुल, जैसे अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनकी फीड अलग है, जो लैक्टेटिंग मदर है उनकी फीड अलग है, और जो ऑलरेडी ग्रोन है जो फुल्ली डेवलप्ड पिग्स हैं उनकी फीड अलग है। अब जैसे हमारे ये सेक्शन है ये हमारे लैक्टेटिंग मदर के सेक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं हमने एक पार्ट को अलग किया हुआ है ताकि जो रेस्टिंग फेज है और जो प्रोटोकॉल यहाँ पर फॉलो होता है वो आराम से फॉलो हो सके। सो इसके भी केजेस हर एक मदर को एक एक केज दिया हुआ है। आपका प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है अभी आपका? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने प्रवेश, इसका जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगी। हमारा मेन मकसद पिक फार्म लॉन्च करने का ये था ताकि हम इंडिया में, स्पेसिफिकली इंडिया में, हम अपना सर्टिफाइड पोक मीट की अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, क्योंकि अभी भी आप देख सकते होंगे कि कभी किसी को हम इंडिया में बोलते हैं कि पोक मीट खाएँगे आप तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है, अरे पोक मीट ये तो सुअर है, अच्छा मीट नहीं होगा। तो हमारा मेन मकसद ये था कि हम पिक फार्म लॉन्च करें और फिर हम एक स्लॉटर हाउस खोलें ताकि जो सारी की सारी जो सिस्टम है वो हमारे बेल्ट के अंदर ही रहे, उससे हम क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। हम खान पान इनका खुद देख रहे हैं, पिक फार्म हमारा खुद का है और स्लॉटर हाउस भी हमारा खुद का है, और हम अपने प्रोडक्ट्स भी खुद बना रहे हैं, तो इसीलिए वन ऑफ द रीजंस कि वी आर वन ऑफ अ काइंड इन इंडिया, और इसीलिए हमें सर्टिफाइड पोक मीट को हमें ज़्यादा प्रोपोगेट करना है। चैलेंजेस मैम क्या क्या आते हैं आपको स्टार्टिंग में? देखिए चैलेंजेस तो पोक मीट सेक्शन में थोड़े रहते ही हैं, स्पेशली जब हम इंडिया में रहते हैं, अदरवाइज टेकिंग केयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द मीट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ वी हैव एज्ड इट,
हमने थोड़ा उसके अंदर अब एक लेवल कर लिया है अपना। और चैलेंजेस यही होते हैं कि जब आपकी आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो, आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो, तो आप आराम से इसको एक फ्रूटफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास टीम थी आपके अपने पास? हाँ जी। तो आई थिंक ज़्यादा कोई चैलेंजेस आपको फेस नहीं करने पड़े होंगे। हाँ जी। और मैम, कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं, फार्म को प्रॉफिट में कैसे ला सकते हैं? देखिए, कॉस्ट कटिंग आप छोटी छोटी चीज़ों से कर सकते हैं। पहली बात तो कॉस्ट कटिंग आपकी सबसे पहले होगी जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा, उससे आपकी बचत उसी समय हो जाएगी। दूसरा, जैसे मैंने आपको छोटे से एग्जांपल दी, जो हमने बिन्स बनाए हुए, फूड बिन्स फॉर ऑल द एनिमल्स, इससे आपका वेस्ट नहीं होता है रॉ फीड जो होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पानी का कॉस्ट कटिंग, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कटिंग, ये सब चीज़ें हैं जिनको आप धीरे धीरे आप अपने फार्म पे लॉन्च कर सकते हैं। क्या सजेशन आप देना चाहेंगे मैम लोगों को, आने वाले लोगों को, यूथ को? यस यस मैम, मैं ये सजेशन देना चाहूँगी, देखिए एवरीबडी शुड नो वेयर देयर मीट कम्स फ्रॉम। सो इसीलिए आपका भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका पोर्क मीट जो आप कंज्यूम कर रहे हैं मार्केट में, वो आपका कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, और किस फीड पे फीड किया हुआ एनिमल को हम खा रहे हैं। सो ये आपका इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है, और आपका पूछना मार्केट में जो बेच रहे हैं उनसे ये सवाल बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मैम, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू।